हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट में जो नियोजन नीति का मामला चल रहा था, आज उसका फैसला आ गया है और झारखंड हाई कोर्ट ने इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। दोस्तों, मामला ये था कि झारखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको झारखंड से 10वीं और 12वीं झारखंड से पास आउट होना जरूरी था, लेकिन इसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा था रमेश हस्ता बनाम झारखंड, जिसका फैसला आज आया है और आज नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली को चैलेंज करने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने जो नियोजन नीति रद्द कर दिया गया है, उसको देखते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस को रिलीज कर दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियों का प्रकाशन किया गया था। उक्त परीक्षा कैलेंडर को अपरिहार्य कारणवश विरोपित किया जाता है, संशोधित परीक्षा कैलेंडर बाद में प्रकाशित किया जाएगा। यानी दोस्तों, जो आगामी परीक्षा होने वाली थी दोस्तों, जैसे JSSC, CGL, LDC एंड एक्साइज, सभी परीक्षाओं को दोस्तों अपरिहार्य कारणों की वजह से अभी रद्द कर दिया जा रहा है। बाद में फिर दोस्तों कैलेंडर निकाला जाएगा और एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन ये दोस्तों ये खबर अच्छी नहीं है उन सभी छात्रों के लिए जो दोस्तों दिन रात मेहनत करते थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इसका सही फैसला जल्दी आ जाए और जो छात्र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वो एग्ज़ाम देने में सफल हो जाए।